कारगिल चौक श्रद्धांजलि। सूरत पुलवामा 44 जवानों शहीद थयेला शहीदों ने सूरत की 100 जेटली महिलाओं ने रिटायर्ड आर्मी मेनों ए आपी श्रद्धांजलि। शहीद थयेला 44 शहीदों की आत्मा ने मले शांति तेवी भगवान ने प्रार्थना करी हती। सूरत ना कारगिल चौक खाते आवेल पुलवामा में थयेला शहीद जवानों ने सूरत की महिला ने बालकों साथे शहीद रिटायर्ड आर्मी मेनों सहित सूरत शहीद कारगिल चौक खाते दीप अने मीणबत्ती प्रगटावी भावभीनी आंखे श्रद्धांजलि आपी तो 2 मिनिटनुं मौन राखी श्रद्धांजलि साथे ज सरकार पासे मांग करी के आतंकवादी सामे जल्दीथी जल्दी कार्यवाही करी शहीदों ने न्याय मळे ते माटे अपील करी। तो श्रद्धांजलि आपता आपता केटलीक મહિલાઓના આંખો પણ ભીની થઈ તો બીજી બાજુ આતંકવાદીના આકૃતિને લઈ લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો। તો સૈનિકોએ જન વિચ્યું કે દેશ માટે શહાદત જેને મળે તે ખૂબ નસીબદાર હોઈ શકે છે। તો શહીદ થયેલા પરિવારને સરકાર તરફથી ન્યાય મળે તેનાથી તેનો પરિવાર તૂટે નહીં અને આવનારા સૈનિકોનો આત્મવિશ્વાસ પણ તૂટે નહીં તેવી માંગ કરી હતી। મેં ચેન્ના જૈન અલાયન્સ ક્લબ ઓફ સુરત હોપ કી સદસ્ય બોલ રહી હું। જિગ્નેશ ગાંધી હમારે ફાઉન્ડર હૈ। मैं आज नरेंद्र मोदी जी को यही कहना चाह रही हूँ कि आपके साथ पूरी जनता है, आपके साथ पूरा देश है। आप खाली आदेश करिए, हम महिलाएं भी आपके साथ हैं। जैसे देश की बेटियां ससुराल जाती है घर छोड़ करके, वैसे देश के नौजवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे जाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। उनकी वजह से हम आज चैन की नींद सो रहे हैं। वो जो सर्दी गर्मी बरसात के अंदर अपनी मजबूताई से वहाँ खड़े रहते हैं, उनको हम सलाम करते हैं। आज उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, उनकी वजह से सब कुछ है। उनको ही हमें बचाना है, उनकी वजह से ही देश आज सुरक्षित है। ये ऐसा ना हो कि देश के जवान सारे ख़त्म हो जाए और खाली वृद्ध देश में बच जाए। उसके पहले औरतों को आगे भी आना होगा और जो वो आदेश करेंगे हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। जय हिंद, जय जवान, देशवासी अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। સુરતના કારગિલ ચોક ખાતે 100 જેટલી મહિલાઓને રિટાયર્ડ આર્મી મેનોએ શ્રદ્ધાંજલિ ભાવભીની રીતે આપી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, LK સાથ ન્યૂઝ સુરત।